राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चतुर्मास का महीना शुरू हो चुका है, जो कि 4 महीनों का रहता है, जिसमें भगवान देवशयनी एकादशी से देव उठानी एकादशी तक पाताल लोक में शयन करते हैं। और चतुर्मास में कई तरीके के नियमों का पालन किया जाता है, कई प्रकार के व्रतों का विधान बताया गया है चतुर्मास में। चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भोजन बहुत सात्विक करना चाहिए, और वस्त्र का दान, तीसरा दीप दान, ये सब दानों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है चतुर्मास में। चतुर्मास में दान अगर आप करते हैं तो उसका आपको अनंत कोटि फल मिलता है। अन्न दान, दीप दान, वस्त्र दान, पौधों का भी दान करना चाहिए। कुछ लोग अपने तेल में छाया, सरसों या तिल के तेल में देख के छाया का भी दान करते हैं, और श्रम का भी दान करना चाहिए। दान करना इसमें बहुत ही शुभ बताया गया, लेकिन कई लोगों का मेरे पास ये कमेंट आया था कि चतुर्मास का जो महीना है वो कब से स्टार्ट हो रहा है उन्हें नहीं पता था, और महीना स्टार्ट हो चुका है तो वो उन्होंने किसी भी तरीके का संकल्प नहीं किया है, तो अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो चतुर्मास के महीने में अगर आप संकल्प नहीं कर पाए हैं, आपका संकल्प छूट गया है, तो उसमें कोई भी से घबराने वाली बात नहीं है। आप चतुर्मास के 4 महीनों में कभी भी किसी भी महीने से अपना संकल्प ले सकते हैं, व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। चतुर्मास में शैया का भी जो है वो निर्वाह नहीं किया जाता है, शैया पे ना सोया जाता है ना बेड का यूज़ किया जाता है। आपको ज़मीन पे सोना है, डायरेक्ट सोना है, कुछ भी आसन नहीं लगाना है ज़मीन पे, ना तकिए का इस्तेमाल करना है। और ऐसे कई सारे व्रत होते हैं चतुर्मास के, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। और अगर आप लोग अभी स्टार्टिंग से नहीं कर पाए हैं तो आगे आने वाले 3 महीनों में आप ये कभी भी कर सकते हैं। और सबसे लघु जो होता है वो 1 महीने का होता है, जो हम कार्तिक में करते हैं कुछ लोग, और 2 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है। प्रॉपर चतुर्मास 4 महीने का होता है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में तो ज़्यादा मैंने आपको नहीं बताया, आगे आने वाले वीडियोस में आपको प्रॉपर डिटेल में हर चीज़ बताऊंगा चतुर्मास से रिलेटेड। तो आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने जो भी कमेंट्स हों और अपने जो भी क्वेश्चन हों नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।